हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया टर्म लेके आया हूँ स्केल फॉर बिगिनर्स में। ये हमारा स्केल फॉर बिगिनर्स का 24th वीडियो ट्यूटोरियल है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेगुलर एक्सप्रेशन एसक्यूएल में एक नई टर्मिनोलॉजी है जो अभी तक यहाँ पर यूज नहीं होती थी, तो हमको वो यहाँ पर देखना है। रेगुलर एक्सप्रेशन जनरली क्या होता है कि पीएचपी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर जावा पढ़ा होगा या फिर और भी कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एसक्यूएल में प्रीवियस जो वर्जन्स थे उन वर्जन्स में रेगुलर एक्सप्रेशन का कोई भी टाइप का सपोर्ट नहीं था। 10G के बाद में ओरेकल ने उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया है। सो 10G के बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उन सभी वर्जन्स में रेगुलर एक्सप्रेशंस सपोर्ट करते हैं। तो क्या है रेगुलर एक्सप्रेशंस, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशंस जनरली होते क्या है कि पैटर्न्स जो होते हैं हमारे स्ट्रिंग के, उस पैटर्न को सर्च करने के लिए और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पैटर्न पर कोई कंडीशंस लगाने के लिए जनरली रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, उस टाइप का डेटा अगर है वहाँ पर है तो उसको यूज़ करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरली जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं या फिर पर्ल है, पीएचपी है, पाइथन है, इन टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने और एक चीज बताया कि ओरेकल डेटाबेस ने इसका सपोर्ट जो है वो यहाँ पर लाया है, जो किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। राइट, सो रेगुलर एक्सप्रेशंस में एक्चुअली होता क्या है? तो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरली दो टर्म से बना हुआ होता है। एक होता है मेटा कैरेक्टर्स और दूसरा होता है लिटरल्स। लिटरल्स आप सभी को पता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको लिटरल्स बोला जाता है। मेटा कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक नई टर्म है। वैसे हम लोग इस टर्म से फैमिलियर है बट उसको एक नाम दिया है मेटा कैरेक्टर्स। जनरली होता क्या है कि मेटा कैरेक्टर्स में कुछ ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से हम लोगों को एक पैटर्न बनाना पड़ता है जो रेगुलर एक्सप्रेशन का होता है। वो एक टाइप का एल्गोरिदम होता है हमारी पर्टिकुलर कंडीशन को या फिर जो भी स्ट्रिंग डेटा है उसको सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक पूरे की पूरी लिस्ट उसकी बताऊंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये मैं बेसिक जो मेटा कैरेक्टर्स है जो सिंपल फॉर्मेट में होते हैं वो बताऊंगा और उन मेटा कैरेक्टर्स को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स में आप लोगों के सामने यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है रेगुलर एक्सप्रेशंस की, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पर ओरेकल में दो चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होती है। एक होता है फंक्शंस और दूसरा है कंडीशंस। तो जनरली ओरेकल ने कुछ 5 टाइप की फंक्शंस एंड कंडीशंस की टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है, इंट्रोड्यूस किए हैं। उनकी हेल्प से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग डेटा को सर्च करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और कोई भी टाइप का अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं जैसे कि मैनिपुलेशन में मैंने बोला है, तो उस टाइप की जो भी कंडीशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इन फंक्शंस और कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इन फंक्शंस और कंडीशंस में हम लोग टेक्स्ट लिटरल्स को यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग ये कंडीशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का कॉलम जिन कॉलम्स में जनरली स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। हम लोग इसको नंबर टाइप के कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं बट वो नंबर टाइप का जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग उसके भी एग्जांपल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो कैरेक्टर डेटा लाइक कैर है, वेरकैर 2 है, क्लॉब है, एन कैर, एन वेरकैर 2, तो इस टाइप के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट जिस कॉलम पर लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, अप्लाई किया गया है, हम उस कॉलम पर रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर अब क्वेश्चन आ रहा है आपको कि लॉन्ग टाइप का जो कॉलम होता है उसमें तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं बट
लॉन्ग की जो साइज होती है वो 2 GB तक होती है। तो इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं लगाते हैं। जो भी शॉर्ट स्ट्रिंग्स होती है उनके ऊपर हम लोग उसको यूज करते हैं जनरली, क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यू नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई। सो इसीलिए ओरेकल ने लॉन्ग पर उसका सपोर्ट नहीं दिया है, राइट। जैसे कि मैंने बात किया था कि फंक्शंस और कंडीशंस जो होते हैं उनको यूज करके हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 5 अलग अलग टाइप की कंडीशंस एंड फंक्शंस जो है वो ओरेकल ने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले है REG, इसका मीनिंग होता है रेगुलर, उसके बाद में EXP मतलब एक्सप्रेशन, एंड अंडरस्कोर के बाद में 5 अलग अलग कंडीशंस है हमारे पास में, जिसमें से एक है लाइक जो कंडीशन है, उसके बाद में सब स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, रिप्लेस एंड काउंट। ये बचे हुए जितने भी है ये सारे के सारे फंक्शंस है। आप लोगों को सब स्ट्रिंग पता है, इन स्ट्रिंग पता है, काउंट पता है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप समझ सकते हो कि सब स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग वगैरह ये सारी चीजें क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो प्लीज मेरे प्रीवियस जो फंक्शंस की वीडियो है वो देखे, जिससे आपको ये वीडियो समझने में काफी हेल्प होगी, ठीक है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन अंडरस्कोर और आगे की फंक्शन या फिर कंडीशन को यूज करके हम लोग एक पैटर्न बना सकते हैं और उस पैटर्न को सर्च कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके लिए मैं सारे के लिए एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, लाइक, सब स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, रिप्लेस एंड काउंट के लिए सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। और उस सेपरेट वीडियोज में हम लोग अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिसके थ्रू हमको रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था मेटा कैरेक्टर्स, मेटा कैरेक्टर्स की जो मैंने बात की थी, तो मेटा कैरेक्टर्स की यहाँ पर एक मैंने लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की है, जिस लिस्ट में बेसिकली कुछ जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है और उसको पैटर्न्स में कैसे यूज करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले है स्टार, जिसका मीनिंग होता है फॉर ऑल या फिर नन, तो हम लोग स्टार को यूज कर सकते हैं। देन है पाइप सिंबल, जो और के लिए यूज होता है जनरली, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, तीसरी कंडीशन चेक करो, तो ऐसे टाइम पर हम लोग और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड सिंबल है, यहां पर ये जो थर्ड सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है जो है कैरेट का सिंबल, कैरेट का सिंबल जो है ये स्टार्टिंग जो होती है हमारे स्ट्रिंग की वो डिफाइन करता है, और उसके बाद में है डॉलर का सिंबल जो हमारी स्ट्रिंग का या फिर जो भी पर्टिकुलर लाइन है हमारी पैराग्राफ की उसकी एंड जो होती है उसको डिफाइन करता है। तो कैरेट स्टार्टिंग के लिए और डॉलर एंडिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद में है ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स जो होता है इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी टाइप का पैटर्न डिफाइन करेंगे उस पैटर्न के लिए हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क करेगा, राइट। हम लोग उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसी के हिसाब से है यहाँ पर अलग अलग जो है सिंबल्स है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में M, इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग एक एग्जैक्ट जो होती है लेंथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा के लिए कितने बार वो डेटा आ रहा है उसके लिए भी हम लोग पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। उसी के सिमिलर में एक सेकेंड नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस में M, N, इसका मीनिंग ये होता है कि एटलीस्ट एम टाइम्स बट नॉट मोर देन एन टाइम्स, मतलब एन टाइम्स जो है वो डेटा मिलना चाहिए बट एन से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, मतलब हम लोग रेंज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग क्लासेस के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्लैश है, स्लैश के अलग अलग रोल्स होते हैं जो हम लोग बाद में डेटा इसमें देखेंगे। देन प्लस ऑपरेटर है, मतलब एक या इससे ज्यादा बार अगर कोई स्ट्रिंग डेटा वहां पर हम लोगों को पैटर्न में सर्च करना है एग्जिस्टेंस में उसके लिए यूज होता है। देन है क्वेश्चन मार्क, ये 0 और 1 ऑकरेंस के लिए होता है, मतलब एक बार या फिर एक बार भी नहीं अगर तो उस टाइम पर हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। देन है डॉट ऑपरेटर, देन हम लोग राउंड पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, मतलब ग्रुप एक्सप्रेशंस है अगर उनके लिए तो, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर और कुछ हमारे पास में मेटा कैरेक्टर्स है जो स्पेशली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग में है कोलन है, देन है ALNUM मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक, देन है कोलन, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए हम लोग इस टाइप का जो है पैटर्न यूज कर सकते हैं सिम्बॉल्स का। देन है अगर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है तो उसके लिए, अगर ब्लैंक स्पेसेस है तो हम लोग उसके लिए भी जो है पैटर्न बना सकते हैं। देन कंट्रोल कैरेक्टर्स है अगर, देन डिजिट्स है, लोअर केस है, स्पेस कैरेक्टर्स है,
स्पेस कैरेक्टर्स में न्यू लाइन होती है, वर्टिकल टैब होता है, तो इस टाइप के जो भी होता है स्पेस कैरेक्टर उनके लिए भी इन अपर केस के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेटा कैरेक्टर्स भी यहाँ पर पैटर्न में है, ठीक है। बाद में यहाँ पर दो और मेटा कैरेक्टर्स है, एक है स्मॉल सी और एक है स्मॉल आई। स्मॉल सी है हमारा केस सेंसिटिव के लिए, कभी ऐसा कंडीशन होता है कि हम लोगों का जो डेटा होता है वो हम लोगों को उसी फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो उस टाइम पर हम लोग केस सेंसिटिव यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों को केस का कोई मैटर नहीं होता है, अपर केस, लोअर केस, मिक्स केस या फिर कैसे भी केस में हम लोगों को अगर स्ट्रिंग डेटा अगर हमको चाहिए, तो उस टाइम पर हम लोग सिंपली स्मॉल आई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारी कंडीशन पर बेस करता है कि वो पैटर्न कैसा बनेगा और उस पर्टिकुलर फंक्शन या कंडीशन के साथ में उसको कैसे यूज में लाना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, मेटा कैरेक्टर्स का, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारे ओरेकल एसक्यूएल में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा कंडीशन थी रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक की, ठीक है। सो आई होप आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन का ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कोई अगर डाउट्स है तो वो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और आपके इन डिमांड कोई वीडियोज़ अगर है, कोई टॉपिक्स है रिलेटेड विथ एसक्यूएल या फिर पीएल एसक्यूएल या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजीज, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, क्लाइंट साइड में हो, सर्वर साइड में हो, किसी भी टाइप की, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा इजी से इजी वे में, ठीक है। सो वीडियो खत्म करने से पहले प्लीज़ लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें, नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन रिंग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गुड बाय गाइज एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।